bringing positive change in people's lives. एक औरत अमेरिका की मस्जिद में आई और उसने कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ. I want to accept Islam. तो वहां के जो इमाम थे उन्होंने पूछा क्या हुआ ऐसा? What happened? आपकी जिंदगी में ऐसी क्या तब्दीली आई? क्या आपने ऐसा देखा कि आप इस्लाम कबूल करने को तैयार हुए? तो उसने कहा कि मैं अपने ऑफिस में काम किया करती थी और उस ऑफिस में क्रिसमस आने वाला था, तो हमारे जो बॉस था, जो एम्प्लॉयर था, उसने फैसला किया कि इस क्रिसमस पर मैं अपने एम्प्लॉयज को तोहफा दूंगा. और उसने तोहफों की लंबी फहरिस्त एम्प्लॉयज को थमा दी कि इन इस लिस्ट में से कोई ना कोई एक तोहफा मैं तुमको दूंगा इस क्रिसमस के ऊपर. और उस फहरिस्त में थी शैंपेन. सुना है ना जी? पी है ना है? तो शैंपेन जो है ये ओकेजन्स पर इस्तेमाल की जाती है. जब वर्ल्ड कप जीता जाता है तो उसको खोला जाता है. पीते कम ही लोग, नहाते ज्यादा हैं इससे. शराब है, शराब. तो उसमें शराब शैंपेन थी और ऑफिस का हर मर्द जो था, हर मैन जो ऑफिस में था, दे वर बेगिंग फॉर शैंपेन. वो लोग कह रहे थे काश इस बार हमारा बॉस हमें शैंपेन दे दे, मजा आ जाएगा. लेकिन उसने कहा कि मैंने देखा कि एक इंसान पूरे ऑफिस के चक्कर लगा रहा है और वो कह रहा है कि आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग बट आई विल नॉट एक्सेप्ट शैंपेन. मैं कोई भी तोहफा इस लिस्ट में से कबूल कर लूंगा लेकिन मैं शैंपेन कबूल नहीं करूंगा. इस औरत ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मर्द को यह कहते नहीं सुना कि मुझे शैंपेन नहीं चाहिए. अपनी पूरी जिंदगी में मैंने किसी मर्द को यह कहते नहीं सुना कि मुझे शैंपेन नहीं चाहिए. मैं उस शख्स के पास पहुंची और मैंने कहा आर यू सीरियस? क्या तुम संजीदा हो? एवरीबडी इन द ऑफिस इज बेगिंग फॉर शैंपेन एंड यू आर सेइंग यू डोंट वांट शैंपेन. उसने कहा यस यकीनन. सो व्हाई? उसने कहा आई एम अ मुस्लिम. मैं मुसलमान हूं. मुसलमान शराब नहीं पीता. उसने कहा जैसे ही उस शख्स ने ये बात मुझसे कही तो मेरे जो अपना पूरा माजी, मेरा जो पास था मेरे सामने आ गया. उसने कहा मेरा बाप शराबी था, वो रोजाना शराब के नशे में हराता था और मेरी माँ को पीटता था, मुझे पीटता था. मेरा पूरा बचपन नेस्त तो नाबूद हो गया इस शराब की वजह से. मेरी माँ और बाप के बीच में डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई इस शराब की वजह से. जब मुझे पता चला कि कोई ऐसा धर्म है, कोई ऐसा मजहब है जो शराब को मुकम्मल तौर पर हराम करता है, उसने कहा मैं इस मजहब के बारे में जानना चाहूंगी, मैं इस मजहब के बारे में सुनना चाहूंगी, इसके बारे में तहकीक करना चाहूंगी. उसने मेरे कहा मैंने तहकीक की और मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं. वो शख्स कितना अच्छा मुसलमान था वो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में, उस मुआशरे में, ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय के तौर पर ही पुट हिज फुट डाउन. बहुत बड़ी बात है कि मुझे शैंपेन नहीं चाहिए. उसको पता भी नहीं था कि ये कहने से सामने वाली खातून के ऊपर ये असर पड़ सकता है. He did not know. तो यकीन मानिए अगर आप लोग सब इस्लाम पर चलेंगे, हम सब इस्लाम पर चलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, तो हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ा चेंज मुआशरे में. जैसा कि फिर मैं कहूंगा इट इज टाइम फॉर चेंज.